नमस्कार दोस्तों। तो अपन आप देख पा रहे हो अपन बात कर रहे हैं अभी विषम जवर की बात करेंगे। जी हाँ, तो विषम जवर क्या होता है? सब क्वेश्चन आ जाता है विषम जवर का, 5 नंबर में भी आ जाता है या फिर अपन कहें छोटे क्वेश्चन भी आते हैं तो छोटे क्वेश्चनों में भी ये अपने को मिल जाता है विषम जवर का क्वेश्चन। तो आप विषम जवर को अपन पंचविध जवर भी कहते हैं, तो पंचविध जवर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। 5 प्रकार का होता है, अपन जैसे देखते हैं द्विविध जवर है, सप्तविध जवर है जो धातु आश्रय वाले हैं, तो इसी प्रकार पंचविध जवर के नाम से भी आ सकता है, विषम जवर के नाम से भी आ सकता है। विषम जवर अपन समझते हैं साहब 5 प्रकार की होती है, संतत, सतत, अन्य दिस्क, तृतीयक और चतुर्थक। जी हाँ, तो अपन यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले संतत जवर की बात करेंगे। संतत जवर में क्या होता है कि रेगुलर जो है वो जवर की स्थिति बनी रहती है। जी हाँ, तो सबसे पहले अपन संतत जवर देख रहे हैं, इसमें अपन देख रहे हैं कि स्रोतो अब स्रोतोर भी विस्तृता दोषा गुरुओ रसवाही भी सर्वदेहानुगा स्तब्धा जवरम कुर्वन्ति संततम। जी हाँ, तो अपन इसमें देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, रसवाही भी, तो इसमें आश्रय किसका हो रहा है साहब, रस धातु का आश्रय हो रहा है। तो इसमें अपन देख रहे हैं कि जो बढ़े हुए गुरुओ अर्थात है बढ़े हुए जो दोष हैं उसके लिए प्रयुक्त हुआ है गुरुओ शब्द। जी हाँ, तो बढ़े हुए दोष रसवाही स्रोतों में क्या करते हैं साहब, फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आगे जो टर्म इस्तेमाल किया है सर्वदेहानुगा स्तब्धा। जी हाँ, तो आगे लिखा है कि सर्वदेहानुगा स्तब्धा, स्तब्ध मतलब होता है जकड़ जाना। जी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो जो प्रकोपित दोष हैं रसवाही स्रोतों में फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है जो शरीर है वो जकड़ जाता है और उससे उत्पत्ति होती है संतत जवर की। जी हाँ, इसके बाद अपन बात करेंगे दशाहम, द्वादशाहम व सप्ताहम व सुदुस्सह। यहाँ पे टर्म इस्तेमाल किया है आचार्य ने, सुदुस्सह शब्द का इस्तेमाल किया है संतत जवर के लिए। तो अपन देखेंगे स शीघ्रम शीघ्रकारित्वात् प्रशमम याति हन्ति वा। जी हाँ, तो इसमें देख रहे हैं कि संतत जवर क्या है, सुदुस्सह है। जी हाँ, सुदुस्सह होती है संतत जवर। तो सुदुस्सह का क्या मतलब होता है, जिसका ट्रीटमेंट कठिन हो, जिसका उपचार कठिन हो, उसको अपन क्या बोलते हैं साहब, सुदुस्सह बोलते हैं। जी हाँ, कैसे संतत जवर का क्यों उपचार कठिन होता है वो बात अपन अभी देखेंगे, सुदुस्सह क्यों कहा गया है संतत जवर को। उससे पहले अपन देख रहे हैं कि साहब दशाहम, द्वादशाहम और सप्ताहम साहब बात करें कि वातिक जवर जो इसकी टाइम पीरियड है, कालक्रम जिसको अपन कहें 7 दिन का है, पैतिक जवर की बात करें तो 10 दिन की है, और कफत जवर की बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 12 दिन का है। तो ये जो है इतने दिनों में जो है या तो जवर जो क्योर हो जाती है, अगर दोष अगर प्रशमन हो रहा है, दोषों का अगर प्रशमन हो गया है इस कालक्रम में, तब तो जो रोग है वो शांत हो जाएगा। और अगर दोष क्या हो रहे हैं साहब, प्रकोपित हो रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि या अति हंती वा, तो उसमें क्या हो सकता है, प्राणों का हरण हो सकता है या फिर अपन कहें मृत्यु हो सकती है रोगी की। जी हाँ, अपन आगे बात करेंगे अब संतत जवर सुदुस्सह होने का कारण कि साहब संतत जवर जो है वो सुदुस्सह क्यों है। जी हाँ, अपन इसमें देखते हैं क्या कारण है इसका, इसका कारण है साहब निष्प्रत्यनिक। जी हाँ, आचार्य चरक ने निष्प्रत्यनिक टर्म का इस्तेमाल किया, आपको भी यही लिख के आना है कि सुदुस्सह क्यों है, निष्प्रत्यनिक के कारण सुदुस्सह है। जी हाँ, निष्प्रत्यनिक क्या होता है अभी समझते हैं अपन। जी हाँ, 3 चीज़ें होती हैं साहब, काल, दुस्से और प्रकृति। ये अगर इनके तुल्य अगर जवर होगा कि इनके समान ही जवर होगा, जी हाँ, तो और जिसका कोई विरोधी ना हो, तो इसके समान जवर रहेगा साहब। काल भी उसी के दोष के अनुसार चल रहा है, धातु दूषित उसी दोष के अनुसार हो रही है, प्रकृति जो मान लीजिए कफज जवर है, कफज प्रकृति पुरुष है, तो अगर तीनों अगर समान है, जिसका कोई विरोधी नहीं हो, उस अवस्था को अपन क्या बोलते हैं, निष्प्रत्यनिक बोलते हैं। तो जो ये संतत जवर की उत्पत्ति होती है वो होती है इस परिस्थिति में होती है, तो उस केस में क्या होता है, ये सुदुस्सह होती है, इसका उपचार होना कठिन हो जाता है। इसको अपन अभी आगे वाली स्लाइड में अपन इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। जी हाँ, ऐसा वातादि दोष संतत जवर को उत्पन्न करता है, अतः ये जवर जो है वो क्या है, वो सुदुस्सह है, कठिन है इसका उपचार। जी हाँ, बात करेंगे अपन निष्प्रत्यनिक, अपन समझ रहे हैं अभी निष्प्रत्यनिक। जी हाँ, निष्प्रत्यनिक से अपन क्या समझ रहे हैं साहब, 3 चीज़ें अपन ने ली थी, काल लिया था, दुस्से लिया था और प्रकृति ली थी। जी बिल्कुल ली थी। तो अपन देखते हैं, मान लीजिएगा काल अपन ने लिया है, वसंत ऋतु
और धातु दूषित हुई है वो है मेद धातु, और प्रकृति जो है पुरुष की वो है कफज प्रकृति, और व्याधि अगर इसमें होती है कफज जवर, उस केस में क्या होगा साहब? यहाँ पे निष्प्रत्यनिक की परिस्थिति अपने को देखने को मिल रही है। काल जो है उसी के अनुसार है, वसंत ऋतु में कफ कफ की वृद्धि हो रही है। इसके अलावा धातु भी उसी के अनुसार जो दूषित हो रही है, और जो मनुष्य की प्रकृति है वो भी उसी के अनुसार है, अर्थात कोई विरोधी इसका नहीं है। जी हाँ, तो उस केस में जो है ये जवर क्या हो जाती है? सुदुष्य हो जाती है। उसी प्रकार अगर अपन देखें शरद ऋतु में बात करें पीतज जवर की, तथा वर्षा ऋतु में बात करें वातज जवर की, तो उस केस में भी बात क्या है? वही की वही रहती है। जी हाँ, अपन आगे चलेंगे साहब। इसमें अपन देख रहे हैं कि किसी भी रोग में दोष के अनुकूल परिस्थितियां, जो प्रकोपित दोष है या फिर जो दोष यहाँ पे बताया गया है, तो उसके अगर अनुकूल परिस्थितियां हैं, उसका कोई विरोधी नहीं है, तो वह रोग क्या होगा? कठिन हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद अपन आगे बात करेंगे संतत जवर के आश्रयों की। अपन बात करेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हालांकि पूरा विषम जवर टॉपिक ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए अपन इसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो संतत जवर में बात करें अपन, ये था धातु तथा मूत्रम पुरिसम चयनिल आदयो, या फिर चयनिल आदय। जी हाँ, तो बात करें ये था धातु तथा, कि जो जितनी भी धातुएं हैं वो सभी, तथा मूत्र पुरिस, जी हाँ, कितने आश्रय होते हैं साहब? द्वादश आश्रय होते हैं। किसके? संतत जवर के। जी हाँ, कहाँ कहाँ संतत जवर हो रही है देख रहे हैं अपन, द्वादश आश्रय साथ कहाँ कहाँ है? वातादि दोष हो गए, तीन हो गए, बिल्कुल हो गए। चाहे अनिल आदि, अनिल का मतलब वात होता है, तो वात आदि, जी बिल्कुल। दूसरा रस आदि, ये था धातु तथा, जो भी धातु हैं सभी, रस आदि धातु सात होती हैं साहब, और मल तथा मूत्र, मूत्र और पुरुष। जी हाँ, तो ये 7 और 3 10 और 2 12, जी हाँ, तो ये जो इसके आश्रय हो गए द्वादश। जी हाँ, तो ये यहाँ पे संतत जवर होती है, समाप्त होती है। इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे, सतत जवर वगैरह की बात भी अपन आगे करेंगे, आपको लास्ट में स्क्रीन पे मिल जाएगा उसका आइकन, या फिर आई बटन में आप देख सकते हो। जी हाँ, तो डिस्क्रिप्शन आप रेगुलर विजिट करते रहिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिएगा। और भी आपके मस्तिष्क में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आपको डाउट आ रही है, अच्छा क्वेश्चन आपको लग रहा है, किसी पेपर में आया हुआ है, आप तुरंत कमेंट करके बता दीजिए, फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा 100% बढ़िया डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको दे दिया जाएगा उसका आंसर। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर आप प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, जो भी आपके विचार रहे ज़रूर हमें बताइएगा। जी हाँ, धन्यवाद।